हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र नंबर 40 करेंगे। तो बच्चों, ये आपका क्लास 9th का है जो कि हिंदी का है। आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको पता है कि हमारी सभी वर्कशीट्स जो हैं वो सिर्फ मंडे को आएंगी और सैटरडे को आएंगी। ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे तक आपकी रामनवमी और दशहरा की छुट्टी है। तो ये हिंदी की वर्कशीट है जो कि 40 है और 11 अक्टूबर की है। तो लहासा की और पाठ का आज हम अंतिम अंश पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा ये पाठ ख़त्म हो जाएगा और हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीदारों में बटी है। इन जागीदारों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नाम से बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पेशियाँ रखी थी। इसी तरह से मेरा आसन भी वहीं लगा था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। क्या लिखी थी? कंजर, जो कि बुद्ध वचन अनुवाद में हस्तलिखित थी, और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं थी। अब क्वेश्चन से आपके, ये आपका आखिरी भाग था, तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी। तो बच्चों, तिब्बत में जमीन की अधिकतर भाग छोटे बड़े जागीदारों में बटा था, जिससे काफी हिस्सा मठों के हाथ में है। उन्हें मजदूर बेगार में मिलते हैं। अब प्रश्न 2, तिब्बत की जमीन पर खेती का काम कौन करता है? तो तिब्बत में शेखर बिहार के लोग खेती करते हैं और लोबजार शेख भी वहां पर खेती करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि शेखर की खेती के मुखिया कैसे आदमी थे? तो शेखर की खेती के मुखिया थे कौन? भिक्षु नाम से थे। कौन थे? भिक्षु नाम से थे। अब वे बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे थे। वे लेखक से बहुत ही अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, वो बताते हैं। तब प्रश्न 4, गद्यांश में मंदिर के बारे में क्या बताया? तो गद्यांश में बताया है कि यहाँ एक मंदिर था, जिसमें कांजुर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पेशियाँ रखी हुई थी। वह बड़े बड़े और मोटे मोटे कागज पर अच्छे अच्छे मोती जैसे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी में 15-15 शेर से कम की नहीं थी। तो ये लेखक मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, कंजूर किसे कहा जाता है? तो कंजूर क्या होते हैं? कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पेशियाँ थी। अगला है, हस्तलिखित का विग्रह करते हुए समास बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हस्तलिखित में कौन सा संवाद है? तत्पुरुष समास। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका ऑप्शन का सही है, हाथ से लिखी हुई तत्पुरुष समास। तो बच्चों, अब इस तरह से 6 ऑपरेशन कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल